तो भाई हमारा जो जेसीबी है उसका बल्ब खराब हो चुका है और देख सकते हो ये अभी मैकेनिक और जो बल्ब है उसे चेंज कर रहा है। मैकेनिक के पास लेकर आया हूँ और यहाँ पर ये बल्ब को देख सकते हैं किस तरह से ठीक कर रहा है, नया बल्ब लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 बल्ब खराब हो चुका था तो हम गए थे दुकान पर खरीदने के लिए। देख सकते हो इस तरह के बल्ब है ये। और यहाँ पर गाइस देखने लायक है कि ये 55 वाट का बल्ब है और ये 12 वोल्ट का बैटरी पर लगाया जाता है, तो कुछ इस तरह का बल्ब है। दुकान पर आया था बल्ब लेने के लिए तो यहाँ पर हमने गूगल पे से पेमेंट कर दिया। मैकेनिक के पास ये टैक्सी भी आया है रिपेयर करने के लिए। हमारे यहाँ तो इस तरह की टैक्सी बहुत ही कम दिखाई देते हैं, तो चलिए हम आपको दिखा दिया। तो ये है हमारा जेसीबी और साथ में मैकेनिक को वो टैक्सी भी ठीक कर रहा था, शायद उसका कुछ बल्ब का ही प्रॉब्लम था, इशू था। तो यहाँ पर 2 मैकेनिक लगे हुए हैं बल्ब को ठीक करने के लिए। देख सकते हो भाई पूरा ख़राब हो चुका था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हो ये क्या बोलते हैं इसे, दाब या फिर कुछ क्या बोले ये, जिससे ज़मीन को मिट्टी को काटते हैं। तो ये हमारे जेसीबी का ख़राब हो चुका था पूरे के पूरे। 14 होते हैं आगे के जो रोडर होते हैं उसमें 9 होते हैं और पीछे 5 होते हैं, पीछे के जो छोटा बकेट होता है उसमें 5 लगते हैं, तो टोटल 14 पीस लगता है इसमें। और 14 को ख़रीदने पर हमारा 9,000 से 10,000 के करीब चला गया। और देख सकते हैं पूरा का पूरा नया लगा दिया, सारे के सारे ख़राब हो चुके थे 1 साल के अंदर।